हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग नीट। और आज है संडे, तो आज हम देखते हैं वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये मॉक टेस्ट होता है हमेशा 10 मार्क्स का, जिसमें आपको गेन करने होते हैं अच्छे खासे मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो आप अपने सही आंसर के लिए 1 मार्क्स खुद को देते चलिएगा, लास्ट में कॉमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। इस समय का सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर है ये क्वेश्चन, बहुत ही चर्चा में है इस समय। तो आप देख लीजिए सारे ऑप्शंस। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऋषि कुमार शुक्ला, इन्हें हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर महिलाओं को खदानों में जमीन के नीचे सुबह 6 बजे से शाम कितने बजे तक नौकरी करने की अनुमति दी है। यानी जो महिलाएं खदानों में काम करती हैं, जमीन के नीचे काम करती हैं, वो जाके खदानों में, तो वो सुबह से 6 बजे से और शाम को कितने बजे तक काम कर सकती हैं, उसके बाद उनको काम नहीं करना है। तो देख लीजिए ऑप्शंस आप, 8 बजे तक, 10 बजे तक, 9 बजे तक या 7 बजे तक। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाम को 7 बजे तक, सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक वर्क कर सकती हैं। और उसमें भी उनका जो है ऐसा वर्क रहेगा कि जैसे टेक्निकल वर्क ज़्यादा रहेगा, सुपरवाइज़र टेक्निकल इन सब फील्ड्स में उनको काम दिया जाएगा। परमाणु टेक 2019 सम्मेलन, तो परमाणु टेक 2019 सम्मेलन कौन से स्थान पर यानी कहाँ आयोजित किया गया है, बेंगलुरु, चंडीगढ़, नई दिल्ली या चेन्नई। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, रक्षा विभाग और परमाणु विभाग ने मिलकर किया है ये। आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, हाल ही में किस सरकार ने सकरी जगहों के लिए 16 बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की, यानी ऐसी जो पतली गली होती है, सकरी गली होती है, एम्बुलेंस जहाँ नहीं जा पाती है वहाँ पर बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये बाइक एम्बुलेंस क्या है, जितने भी फर्स्ट एड देने का काम और ड्रेसिंग वगैरह का काम, इंजेक्शन छोटे मोटे, मतलब जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सारी सुविधाएं इसमें हैं। तो देख लीजिए किस सरकार ने किया है ये, दिल्ली सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की 16 बाइक एम्बुलेंस। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा पेश बजट में प्रत्येक दुल्हन को 1 तोला सोना दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे प्रत्येक दुल्हन का मतलब है कि जो गरीब दुल्हन है उनको 1 तोला सोना देने की घोषणा की गई है, जो भी बजट पेश किया गया है 2019-20 का। तो ये काम किया है असम सरकार ने, असम की सरकार ने, और इतना ही नहीं बल्कि 1 रुपये किलो चावल देने की भी घोषणा गरीबों को की है उन्होंने, और दुल्हनों को 1 तोला सोना, गरीब दुल्हन जो है। हाल ही में किस राज्य ने कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019 शुरू की है। देखिए योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो देखते चलिएगा। कालिया छात्रवृत्ति योजना 2019, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या ओडिशा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि योजनाएँ इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा सा इसकी डिटेल हम देख लेंगे यहाँ पे। ये देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, ठीक है, ये कहाँ पे कौन से ज़िले में किए, क्योंझर, क्योंझर ज़िले में ये योजना स्टार्ट की, लॉन्च की है कालिया छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का लाभ कालिया, मतलब इसका एक फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगमेंटेशन, ठीक है, मतलब ये है कि जो किसान के बच्चे हैं उनके लिए है, ऐसे किसान जो हैं जो कि गरीब है, जिनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है, उनके बच्चों के लिए ये छात्रवृत्ति योजना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, 7th नंबर। सो पूरी दुनिया में किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, फेब में ही मनाया जाता है, आपको बस डेट बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 फरवरी, ठीक है, फेब में बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, तो इसमें एक डेज ये भी है जो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में नासा की हबल दूरबीन द्वारा खोजी गई बॉनी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है। हाल ही में नासा ने अपनी एक दूरबीन जिसका नाम है हबल, उससे खोजा है एक बॉनी आकाशगंगा, उस आकाशगंगा का नाम क्या दिया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेदिन एक उसका नाम दिया गया है, और ये माना जा रहा है कि ये करीब 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है? देख लीजिए, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा से किस देश की ओर खिसक रहा है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड या अमेरिका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका रूस। ठीक है, रूस की तरफ खिसक रहा है और करीब 55 किलोमीटर प्रतिवर्ष की दर से खिसक रहा है। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। पेट्रोलियम सचिव M.M. कुट्टी के अनुसार 2.25 करोड़ टन खपत के साथ कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश बन गया है? यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा LPG यूज़ करने वाला सेकेंड नंबर का देश कौन सा बना है? नेपाल, रूस, जापान या भारत? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत है जो LPG दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता बन गया है दुनिया में। इसकी खपत जो है लगभग इतनी है। और पहला देश कौन सा है सबसे अधिक LPG यूज़ करने वाला, ये आप लोगों के लिए आज का टास्क है। इसको आप कमेंट करके फटाफट से बताइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।